नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट पे सचिन बोरा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉल को बिल्कुल बीच बैट में लेने का क्या तरीका है वो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। उससे दो तीन फायदे होंगे और सिंपल तरीका बताऊंगा। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखो, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग क्या होता है, जब भी शॉट मारते हैं तो बीच बैट में जब शॉट लगता है तो बहुत दूर छक्का जाता है, चौका जाता है। तो इसलिए क्या है, बीच बैट में बॉल लेना बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस कैसे करनी, उससे आपका क्या है, दो चीज़ों का इम्प्रूवमेंट होगा। एक तो आँखों का, जो आप बोलते हो ना, बॉल नहीं दिखाई देती। तो आज मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीका बताऊं, क्योंकि बॉल हम लोग क्या है, थोड़ा जब बॉलर बॉल डालता है, बॉल को टिप्पा खाने तक तो हम देखते हैं, उसके बाद जब बॉल जैसे क्लोज आती है ना, हम आइडिया से बैट लगा देते हैं, उसकी तरफ देखते नहीं। कभी भी देखना, आप खुद आप आजमा के देखो, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, आप खुद देखो। जैसे नज़दीक पहुँचते हैं ना, हम देखते ही नहीं। और वो क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि हमको उसकी आदत नहीं होती देखने की। हमेशा इंटरनेशनल में क्या होता है, 6 साल 7 साल 8 साल आदमी कंटिन्यू जब एकेडमी में गेम खेलता है तो कोच उनके ऊपर बहुत जोर देता है कि बॉलर का हाथ देखो, उसका रिलीजिंग पॉइंट देखो, बॉल को लास्ट तक देखो। और टेनिस बॉल में क्या होता है, ये चीज़ कोई नहीं करता, चाहे टेनिस बॉल हो लेदर बॉल हो, दोनों के लिए बहुत बढ़िया वीडियो है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखने की आदत नहीं होती ना, हम बोलते यार बॉल दिखाई नहीं देती, आप बोलते हो लास्ट तक बॉल को देख, बॉल तो दिखती नहीं है लास्ट तक। तो ये आपका ही नहीं, हमारा भी होता था शुरू में, जिस जब तक हमको किसी ने बताया नहीं तब तक ये चीज़ हमारा भी होता था। हम जैसे बॉल नज़दीक पहुंचती थी, आइडिया से बैट लगा देते थे कि सही जा रहा नहीं जा रहा, खाली लाइन में घुमा देते थे। अब क्या, बॉल देखने का तरीका ये है कि आपने सिंपल सी चार लड़कों को खड़ा करना है सामने, 1 2 3 4, बिल्कुल गैप गैप में, अलग अलग गैप में खड़ा करना है, और एक एक करके बोलना है कि मेरे को बॉल फेंक, फुल टॉस बॉल, अंडर आर्म। आपने बिल्कुल उनको कैच देना है, कैच दोगे ना, अगर आप बॉल को नहीं देखोगे तो आपका सबसे पहले तो बीच बैट में नहीं लगेगा। आपको खुद आइडिया, एक बार करके देखना फिर बताना मेरे को। ऐसे सिंपल से जिस जो लड़का आपको बॉल दे रहा है, वो तीनों में से किसी एक को देने की कोशिश करो, बाकी को देने की कोशिश करो, या उसी को भी दे सकते हो। आपका बॉल बैट में लगने के बाद जिसको आप देना चाह रहे हो, क्या उसके पास जा रही या नहीं जा रही, ये जज करना। इससे आपको दो तीन फायदे होंगे। एक तो आप बिल्कुल नज़दीक से बॉल को देखने की कोशिश करोगे, मिडिल में लेने की कोशिश करोगे। तीसरा, अगर आप गैप में शॉट मारना सीखना है ना, तो ये भी बेस्ट तरीका। तीन चीज़ों का आपको फ़ायदा होगा। एक तो आपका जहाँ मारना चाहते हो वहाँ जाएगा, और दूसरा, अगर यहाँ पे गौर से बॉल नहीं देखोगे ना, आपको या तो इस किनारे लगेगा या तो इस किनारे लगेगा, कभी कभार गलती से लग सकता है। बॉल देखने की भी प्रैक्टिस होती है, जैसे हाथ देखने की प्रैक्टिस होती है ना, हमको जब तक कोई बताएगा नहीं हम हाथ देखते नहीं हैं। तो हाथ देखने की प्रैक्टिस होगी, बॉल देखने की, और बीच बैट में लेने की। बीच बैट में आपका तब लगेगा जब आप बॉल को लास्ट तक देखोगे, ये चीज़ एक आजमा के देखना। एक तो हो गया नॉर्मल बॉल से, ये आप बिल्कुल सीधे सीधे उनको देने की कोशिश करोगे गैप में, अलग अलग जगह, तीनों चारों जगह। नेक्स्ट, उसके अलावा मैंने एक और चीज़ बताया था कि छोटी बॉल, एकदम छोटी बॉल से बैट पर, सेम चीज़ आपने छोटी बॉल से भी करना। जितनी छोटी बॉल होगी ना, उतना ज़्यादा और आप गौर से देखोगे, क्योंकि अगर बड़ी बॉल में तो हम आइडिया लगाते हैं। अब एक फुटबॉल है और एक क्रिकेट की बॉल है, दोनों में अंतर है। फुटबॉल इतनी बड़ी दिखती है और उसके बाद लेदर बॉल इतनी दिखती है, तो वो छोटी बॉल और छोटी दिखेगी, तो हम और ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे देखने के लिए। उसी तरह फिर क्या है, आप बड़ी बॉल से, बॉल बड़ी होगी और हाथ में होगा स्टिक, यानी विकेट का स्टंप भी हो सकता है, या कोई लकड़ी का छोटा सा गोल, लगभग हैंडल के बराबर आप लकड़ी बना सकते हैं विकेट के स्टंप के बराबर। तो बॉल बड़ी है, स्टंप छोटा है, तो उससे भी आप बिल्कुल गौर से करोगे। अगर नहीं करोगे, लास्ट तक नहीं देखोगे, आपका मिडिल में लगेगा नहीं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिससे आप बिल्कुल बॉल पर फोकस करना भी, और मिडिल में करना, ये दो चीज़ों का बिल्कुल नज़दीक से। फास्ट बॉल तो बात की बात है, पहले आप इतना स्लो बॉल में अगर आप मिडिल करने लग जाओगे, फिर धीरे धीरे आप थोड़ा सा तेज़ दे के, सेम चीज़ आप तेज़ दे के कर सकते हैं, और उसके बाद और ज़्यादा अगर उसके बाद भी उतना भी होने लग जाए आपसे, तो उसके बाद फुल पिच से बॉलिंग करके ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट आप इससे करिए, एक बार ट्राई करके देखिए, उसके बाद देखिए कितना इम्प्रूव होता है आपका टाइमिंग में। तो ये सिंपल तरीका है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।